जहां एक ओर नगर निगम विकास कार्यों को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, तो वहीं दूसरी ओर मथुरा जिले में बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी। जहां सड़क नहीं बल्कि सड़कों पर तालाब नजर आ रहा है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने चेयरमैन के खिलाफ प्रदर्शन कर विकास कार्य की मांग की है। समस्या पानी भराव की है जी, पानी में तो यहाँ रोज लठ बाज रहो है। एप्लीकेशन दिया है, चेयरमैन साहब डोरे आए, मेंबर डोरे आए, कहीं सुनवाई ना करी है। कौन है चेयरमैन इस समय? वो भी चेयरमैन है। अच्छा, आपने जब शिकायत की है तो क्या कहा उन्होंने? हमने शिकायत करी साहब, जो कहते हम समाधान करवा देंगे, माटी करवा देंगे, लेकिन अब तक कोई सुनवाई ना हुई हमारी। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको शिकायत करते हुए? हमको साहब कम से कम 1.5 महीना है। जी चलो ना जा, पानी भर रहो प्लॉट पे जाऊँ। अच्छा, प्लॉट है जी। आप इसी रास्ते से होकर के गुजरती हैं? यही रास्ता है। आपने कभी इसकी शिकायत भी कराई है? कराई लाल कहूँ, अल्लाह नब की चली गई भाई ना कच। अच्छा, जो छाता का चेयरमैन है इस समय, वो कहते हैं कि हमने बहुत विकास कार्य कराया, क्या हाड़ वो चेयरमैन को पी खा के परो होगो, कोई कार्य नहीं कराता, कोई ना करे, वो तो वोट को आवे बस बस। दरअसल मामला छाता के अंतर्गत इमली मोहल्ले का है, जहां तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सड़कों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके कारण बारिश होते ही सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि उनकी गली में अभी तक ना तो इंटरलॉकिंग का कार्य किया गया और ना ही कोई अन्य सुविधा प्रदान की गई, जिसके कारण उनको रास्तों से गुजरना भी दुर्भर हो गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर छाता चेयरमैन के खिलाफ प्रदर्शन कर जल्द से विकास कार्य कराने की मांग की है।